हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप इनफिनिटी। आज हम करेंगे पंजाब मास्टर कैडर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो 2017 में हुआ था। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन मोड ऑफ एक्स डीएक्स। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अगर इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स दे रखा हो एंड ये इंटीग्रेशन इवन ऑड के लिए चेंज हो जाता है टू जीरो टू ए एफ एक्स डीएक्स हो जाएगा इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन एंड डायरेक्ट जीरो हो जाएगा इफ एफ एक्स ओड फंक्शन हो। तो हम यहां पहले चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन। इवन ओड चेक करने के लिए एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करो। एफ एक्स में एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करने पे अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आए देन फंक्शन ओड फंक्शन है और इफ माइनस एक्स रिप्लेस करने पे एफ एक्स आए तो ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा। अब हम यहां चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन। एफ एक्स दिया है हमें साइन मोड ऑफ एक्स एंड एफ माइनस एक्स करेंगे जब तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स। मॉडुलस फंक्शन है, पॉजिटिव रहेगा तो ये बनेगा। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो ये इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू हो जाएगी एंड आगे टू आ जाएगा साइन मोड ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब जीरो टू पाई बाय टू के लिए एक्स पॉजिटिव होगा तो हम इसे लिख लेंगे टू जीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स डीएक्स। अब ऑप्शन वन में ये दे रखा है एंड ऑप्शन टू में ये दे रखा है, ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। ऑप्शन वन भी करेक्ट होगा एंड ऑप्शन बी भी यहां करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं। एक्स मोड एक्स यहां पॉजिटिव बिहेव करेगा तो हम इसे ओपन करके लिख सकते हैं तो ये दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और हमें फाइंड आउट करना है जेकोबियन ऑफ कर्ल एक्स वाई ओवर कर्ल आर थीटा। जेकोबियन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कर्ल x ओवर कर्ल r, ऊपर फिर से कर्ल x ओवर कर्ल थीटा एंड कर्ल y ओवर कर्ल r एंड कर्ल y ओवर कर्ल थीटा। ये सभी वैल्यूज यहां से फाइंड आउट कर लेंगे एंड वैल्यू पुट कर देंगे। कर्ल x ओवर कर्ल r फाइंड आउट करेंगे जब हम कर्ल x ओवर कर्ल r पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो थीटा हम कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे एंड r का डेरिवेटिव कर देंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म तो वैसे ही आ जाएगी एंड r का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। एंड कर्ल एक्स ओवर कर्ल थीटा जब हम करेंगे तो आर कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा एंड कोस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। कर्ल वाई ओवर कर्ल आर ये बन जाएगा साइन थीटा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा एंड आर का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। कर्ल वाई ओवर कर्ल थीटा इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। अब हम वैल्यू रख देंगे कर्ल एक्स ओवर कर्ल आर कोस थीटा, कर्ल एक्स ओवर कर्ल थीटा ये बनेगा माइनस आर साइन थीटा एंड यहां हो जाएगा कर्ल वाई ओवर कर्ल आर साइन थीटा, कर्ल वाई ओवर कर्ल थीटा ये बनेगा आर कोस थीटा। इसे एक्सपेंड कर देंगे आर कोस
स्क्वायर थीटा एंड प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। आर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा एंड आर हमारा आंसर आ जाएगा और ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कोई लाइन है और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये ए पॉइंट है एंड दिस वन इज बी पॉइंट, और ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दिया है एंड यहाँ बी वेक्टर दे रखा है रिस्पेक्टिवली। पी डिवाइड्स ए बी इन रेशो 3:1, यहाँ कोई पॉइंट है पी, ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी एंड ए पी का मिड पॉइंट क्यू है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू इज, हमें पोजिशन वेक्टर फाइंड आउट करना है क्यू का, उसके लिए पी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। पी का पोजिशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। जब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 1 यहाँ हो जाएगा, तो 3 को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बी वेक्टर हो जाएगा प्लस 1 ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 3+1, यहाँ 3 बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ओवर 4 हो जाएगा। दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, ये पी वेक्टर का पोजिशन वेक्टर आ जाएगा और हमें क्यू का पोजिशन वेक्टर चाहिए जो कि मिड पॉइंट है ए एंड पी का, तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ पी प्लस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइड बाय 2। पी का पोजिशन वेक्टर ये दिया है 3 बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ओवर 4 प्लस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ये ए वेक्टर हो जाएगा एंड 2 से डिवाइड करना है, यहाँ 1/2 लिख देते हैं, ऐड करेंगे ये बन जाएगा 3 बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर एंड दिस वन इज 4a, 3 बी वेक्टर प्लस 5 ए वेक्टर हो जाएगा ये एंड डिवाइड बाय 4, तो ये बनेगा 3 बी वेक्टर प्लस 5 ए वेक्टर ओवर 8 और ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा एंड हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू ये होती है, जब हम साइन एंगल फाइंड आउट करते हैं दिस वन इज द वैल्यू, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट ही होता है और यहां हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख देंगे, तो ये बन जाएगा, ये दोनों 1 है तो यहां 1 हो जाएगा एंड यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स दे रखे हैं, देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर एंड 2c वेक्टर माइनस ए वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है हमें, ये तीनों कोप्लेनर दिए हैं, अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हों तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है, इसका मतलब ये वैल्यू हमें 0 गिवन है और इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं, जैसे ये तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनकी 0 है
तो इसे कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये वैल्यू हमें जीरो गिवन है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। अगर इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए तो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये है टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस टू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स में होती है तो ये टू टू जो फोर हो जाएगा एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। इसे इसके साथ करेंगे तो माइनस टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा, इन दोनों की माइनस जीरो हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम वेक्टर दे रखे हैं तो वो जीरो हो जाती है, तो ये दोनों की प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी एंड प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। अब इन दोनों के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ एट हो जाएगा ए वेक्टर की, इसके साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब इसकी इसके साथ करेंगे देन ये बनेगा माइनस ऑफ फोर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये जीरो एंड दिस वन प्लस टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, माइनस ऑफ बी ये बनेगा माइनस फोर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इन दोनों की प्लस टू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और इसकी इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर जहां वेक्टर सेम हो, जैसे इसमें ए वेक्टर और ए वेक्टर दो बार आ रहा है, यहां ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर, जहां वेक्टर सेम हो वो जीरो हो जाता है, तो ये हमारे पास रह जाएगा एट। इसे मैं इसी फॉर्म में लिख देती हूं, ये जीरो ये भी जीरो, ए दो बार है ये बी दो बार है तो जीरो, यहां भी बी दो बार है तो ये जीरो, ये बनेगा हमारे पास माइनस ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। लिखना इसी तरह से है, आगे पीछे नहीं करना है, एट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर माइनस, जब हम यहां इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो जब हम इसे बी वेक्टर सी वेक्टर एंड ए वेक्टर दिया है जो हमें, यहां इंटरचेंज करेंगे एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, बी वेक्टर को अपनी जगह पे रखते हैं और यहाँ ए वेक्टर और यहाँ सी वेक्टर लिखते हैं, उसके बाद यहाँ ए लिखना है, एक नेगेटिव और बाहर आ जाएगा तो ये नेगेटिव और वो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, यानी पॉजिटिव ही हुआ तो यहाँ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर लिखा जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेवन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और इसकी वैल्यू हमें जीरो दे रखी है, जब हम यहाँ जीरो वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा जीरो, और यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इक्वेशन दे रखी है, इज इक्वल टू 10x प्लस 1 ओवर x, ये हमें
होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है, जो इक्वेशन पी नोट एक्स एन डी एन वाई ओवर डी एक्स पावर एन प्लस पी वन एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन, इस तरह से पी एन वाई इज इक्वल टू एक्स, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है। और होमोजीनियस इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन एक्स डी ओवर डी एक्स, इसे डी लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी डी माइनस वन एंड एक्स क्यूब डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब को लिखा जाएगा डी डी माइनस वन डी माइनस टू, इस तरह से ये एक फैक्टर ऐड होता चला जाता है। तो और जेड को हमें ट्रांसफॉर्म करना है लोग एक्स में, तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, हमें एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब को लिखना है, तो ये लिखा जाएगा डी डी माइनस वन डी माइनस टू प्लस टू, और इस फैक्टर को लिखेंगे डी डी माइनस वन प्लस टू एंड वाई इज इक्वल टू 10। अब एक्स जेड इज इक्वल टू लोग एक्स दिया है, यहां से एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां ई पावर जेड इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो ये बनेगा ई पावर जेड प्लस वन ओवर एक्स बन जाएगा ई पावर माइनस ऑफ जेड। सभी ऑप्शंस के अंदर राइट हैंड साइड में यही दे रखा है, अदरवाइज तो इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही ना पड़ती और हम डायरेक्ट ऑप्शन देख लेते, लेकिन सभी में दिया है तो डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे और इसे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर माइनस टू डी एंड दिस वन इज प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10 ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस ऑफ जेड, यहां से ये टू डी कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास रह जाएगा डी क्यूब, ये माइनस ऑफ डी स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस टू वाई इज इक्वल टू, और ये साइड एज इट इज आ जाएगी और यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i माइनस j प्लस 5k ऑन बी वेक्टर, यहां लिख देते हैं ऑन बी वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस k, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है ए ऑन बी, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय, अब यहां ये ऑन बी है तो यहां मोड ऑफ बी हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा एंड अगर बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर है तो यहां ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन हमें ऑन बी वेक्टर चाहिए तो हम यहां ये लगाएंगे ए डॉट बी, क्या बनेगा 3i माइनस जे प्लस 5k डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j प्लस k ओवर मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 2 6 माइनस ऑफ 3 एंड प्लस 5 ओवर 4 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा 8 ओवर रूट 14 और यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस।